असलकम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के पॉलिसी या बिज़नेस मॉडल या अप्रोच की बात की लेकिन इट्स नॉट ऑल गुड अबाउट देम अगर सारा कुछ ठीक होता तो हमें कुछ और पर्सपेक्टिव्स या अप्रोचेस की ज़रूरत ही ना पड़ती सो लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी एंड और बिजनेस मॉडल पहले हम पॉलिसी अप्रोच की बात कर लेते हैं जब हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की पॉलिसी अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रगल है दैट इज़ फॉर द फंड्स। गवर्नमेंट्स के पास पैसे महदूद होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं वो महदूद होते हैं और एक्चुअली उसी स्ट्रगल में गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस तरह की एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती हैं कि ये कोई इनोवेटिव सोलूशन निकाल लेंगी जिसमें या कहीं और से फंड्स जनरेट कर लेंगी सो पॉलिसी मॉडल में पहली लिमिटेशन जो है वो फंड्स की जो है वो होती है दूसरे नंबर पर कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं होती गवर्नमेंट से ख़ास तरीके से काम करती हैं हम सब अवेयर हैं दुनिया में कहीं भी हों सोफिस्टिकेशन का लेवल फर्क हो सकता है लेकिन वो जो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल और स्ट्रक्चर है वो सेम है ऐसे में एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट कर देना कोई कॉरपोरेशन, कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी या कोई एनजीओ जो के किसी सोशल इशू को हैंडल करने की कोशिश करे और वो इंडिपेंडेंट हो तो उसमें स्ट्रेटिक डायरेक्शन जो है उसकी हमेशा कमी रहती है गवर्नमेंट के रूल्स को वो फॉलो नहीं कर पाती अगर कर सकते होते तो एक नई बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती नई जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए उसकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए या उसके रूल्स को फॉलो करते हुए अडेप्ट करना जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग और एक मुश्किल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है सो बाय द टाइम स्ट्रेटजिक डायरेक्शन आती है सोशल प्रॉब्लम्स बाजूकात इस तरह के एक और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि फर्दर उनके हल के लिए सोचना पड़ता है कि अब क्या किया जाए तीसरे नंबर पर पॉलिसी अप्रोच जो है वो टॉप डाउन होती है चीज़ें ऊपर कहीं तय करते होती हैं कुछ डिसीजन मेकर्स हैं पॉलिसी मेकर्स हैं जो तय करते हैं कि किस सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरह फॉर्मुलेट करना है किस तरह फ्रेम करना है उसको किस वक्त एड्रेस करना है और किस तरह से एड्रेस करना है ऐसे में जो लोगों की पार्टिसिपेशन है खास तौर पर वो लोग जो उस प्रॉब्लम से डायरेक्टली एफ़ेक्ट हो रहे हैं वो मुमकिन नहीं रहता गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉज़ हैं एन के अपने वर्कर्स हैं उन्होंने अपने आप को भी एक्सपेंड करना है जॉब्स भी सिक्योर करनी है और उनको खुद से काम करना बेहतर लगता है बजाय इसके कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग पेशेंट प्रोसेस जो है उसमें से गुज़रें कि लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने वेलफेयर अपने जो वेल well बीइंग के काम हैं उनमें शामिल हो सकें और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कुछ कॉरपोरेशंस या इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बना दी नई गवर्नमेंट आई उसकी पॉलिसी में वो कहीं फिट नहीं होती थी कहीं पे सरबरा बदल दिया कहीं पे पॉलिसी बदल दी कहीं पे स्ट्रक्चर बदल दिया ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रगलिंग कि वो हैं क्या उनका काम क्या है और जो चेंजेस हैं उनके साथ वो उस काम को कैसे करेंगी सो so, ये तो कुछ लिमिटेशन हो गई पॉलिसी मॉडल की अब आ जाते हैं बिजनेस मॉडल की तरफ बिजनेसिस आर इफ़ेक्टिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स लेकिन जब सोशल प्रॉब्लम्स की बात आती है जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो बिजनेस के जो मॉडल्स हैं ट्रेडिशनल वो उस तरह से काम नहीं करते उन्हें अडेप्ट पड़ता है इनोवेट करना पड़ता है जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में जिक्र किया सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एक फॉर्म है लेकिन बिजनेसेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटेजी वर्किंग और सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से टैक्स और यूजिंग सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ सेविंग टैक्सेस एंड अदर थिंग्स इस तरह की बातें अब आम सुनने में आती हैं स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं ख़ास तौर पर पुअर बेनिफिशरीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके नाम पे चीज़ों को कम से कम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए कि उन पर कितना ख़र्चा आ रहा है वो कॉरपोरेशन कहाँ से निकाल रही हैं जो वो उन पर इन्वेस्ट करती हैं और क्या वाकई वो उतना इन्वेस्ट करती हैं जितना वो टैक्स का रिबेट क्लेम कर रही हैं सो so, एक तो ये चीज़ हो गई दूसरे कॉरपोरेशंस में जो इम्पेक्ट है सोशल उस पर बात होती है तो स्टोरीज आती हैं एक आपके पास केस स्टडीज आती हैं कॉरपोरेशंस अपना प्रॉफिट तो इस तरह नहीं मैया करती वो तो बाकायदा क्वांटिफाई करके क्वांटिटेटिव टर्म्स में नंबर्स के थ्रू करती हैं इतने रुपए इतने लोग इतनी जॉब्स इतने घंटे हर चीज़ जो है वो क्वांटिफाइड है और जब सोशल इम्पैक्ट की बारी आती है तो स्टोरी सुनाने लग जाते हैं वहाँ एक दफ़ा एक कम्युनिटी में ऐसा हुआ बड़ा शानदार ये हो गया वो हो गया तो दिस इज़ नॉट रियली हाउ टू एवेलोएट सोशल इम्पैक्ट, ख़ास तौर पर आप बिज़नेस मॉडल से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सोशल इम्पैक्ट को इस तरह से मैर करेंगे स्मॉलर बिजनसेस जो हैं उनका एक लिमिटेशन जो है वो ग्लोबल रीच के हवाले से है सोशल प्रॉब्लम्स लोकल हो सकते हैं लेकिन बाज़ सोशल प्रॉब्लम्स की रीजंस और उनकी फॉर्म्स जो हैं वो ग्लोबल हैं जैसे कि पॉवर्टी और इनक्वालिटी इसी तरह जो इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो ग्लोबल हैं क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ें हैं कि बात कॉज एक जगह पर है और उसके कॉन्सिक्वेंस किसी दूसरे माशरे को भुगतने पड़ रहे हैं ऐसे में जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हल नहीं कर सकते ये वो लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से पॉलिसी और बिजनेस मॉडल्स जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हैं वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे जिस तरह पॉलिसीज गवर्नमेंट सेक्टर में या बिजनेस बिजनेस सेक्टर में डिलीवर करते हैं और अपने लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से प्रोबेबली दोनों सेक्टर्स को जॉइंटली या अलग अलग फर्दर इनोवेट करने की ज़रूरत है ताकि जो फ्लूड नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकें थैंक यू